करनाल के इंद्री में फोर्टिफाइड आटे को तैयार करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा असन सेंटर से सड़ा हुआ गेहूं भेजा जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब खराब गेहूं से भरी गाड़ी जनक फूड नामक फ्लोर मिल मुरादगढ़ में पहुंची। लेबर ने गाड़ी को अनलोड करना शुरू किया तो गाड़ी में गेहूं के बैग खराब निकलने लगे। खराब गेहूं के बैग अधिक निकलते देख फ्लोर मिल संचालक ने उपायुक्त करनाल को सूचित किया तो खाद्य आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर अमजद खान, हैफेड से रीना काम्बोज और एफसीआई से नरेंद्र सिंह यादव खराब गेहूं की जांच करने फ्लोर मिल में पहुंचे। परंतु हैरानी की बात है कि एफसीआई की तरफ से पहुंचे क्वालिटी मैनेजर नरेंद्र सिंह यादव ने तो गेहूं को हाथ तक नहीं लगाया। जब उनसे इस मामले में बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो जिले भर में ऐसा ही खराब गेहूं फ्लोर मिल संचालकों को भेजा जा रहा है, जिनमें से अधिकतर ने तो आटे की पिसाई भी कर दी है। विभागीय जानकारों की माने तो गेहूं के उठान से पूर्व एफसीआई के अधिकारियों द्वारा गेहूं की सैंपलिंग की जाती है। यदि गेहूं अच्छा हो तभी उठान की मंजूरी दी जाती है। ऐसे में असन सेंटर से पहुंचे गेहूं ने एफसीआई के अधिकारियों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मतलब जब एफसीआई के अधिकारी ने गेहूं की क्वालिटी की जाँच करी तो उन्होंने खराब गेहूं के उठान की मंजूरी कैसे दे दी। वहीं जनक फूड के संचालक कृष्ण काम्बोज का कहना है कि असन से गेहूं के आरओ कटने की जानकारी मिलते ही उन्होंने कन्हैया राइस मिल में गेहूं जांचा तो हालात काफी पेचीदा थे। कन्हैया मिल में गेहूं इतना खराब था कि उन्होंने लिखित में डीएफएससी को गेहूं उठाने से मना कर दिया था, परंतु डीएफएससी ने दबाव बनाते हुए कहा कि कन्हैया राइस मिल का आरओ कटा हुआ है, इसलिए वहां से ही गेहूं उठाना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विभाग द्वारा गेहूं से भरा ट्रक फ्लोर मिल में भेज दिया गया। हाँ, ये आया था तो हम आए हैं। इसमें कुछ कट्टे खराब है, जैसे ओपन में स्टॉक होता है तो ऊपर ली और सबसे निचली लेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एक दो कट्टों की, वो देखा है हमने। 5-10 कट्टों में है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, वो अभी हमने रिप्लेस करा दी है और बाकी आगे सब ठीक गेहूँ आएगा। एक 19-20 का स्टॉक था तो इसमें थोड़ा काफ़ी लंबे समय से ओपन में स्टॉक होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, वो भी ऊपरली लेयर जो होती है थोड़ा बहुत उसमें होता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये करा दिया इसको सॉर्ट आउट, नो प्रॉब्लम। मालिक है जो जनक फूड के, वो संतुष्ट है, वो कह रहे हैं ये बदलवा दो, अभी बदला जाएगा एक, नो प्रॉब्लम। लगभग कितने कट्टे थे सर ये? लगभग जो ज़्यादा ख़राब थे वो तो 5-7 कट्टे थे, वैसे लगभग 50-60 कट्टे है ये जिनमें प्रॉब्लम्स है, इनको दिए, सभी को ठीक करा दिया गया, नो प्रॉब्लम। तो सर कहाँ से आया था ये माल? ये असन से आया था, असन में 19-20 का स्टॉक लगा हुआ है ओपन में, वहाँ से आया था। किसके पास चार्ज है महासंद में जी? महासंद में चार्ज है, कपिल देव निरीक्षक है, उनके चार्ज में था ये, वहाँ से आया है। तो उनको पीडीएस में जाना था इसका? हाँ, पीडीएस में जाना था इसका आटा, होकर लिए अभी अब ठीक करा दिया है ताकि लोगों को सही आटा मिल सके, अच्छा आटा मिले, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, सूट आउट हो गया है। ये गेहूँ है जी बहुत ज़्यादा पुराना और खुले में लगा हुआ है असंद कन्हैया राइस मिल में, ये सारा माल खराब हो रहा है। कुछ कट्टे ठीक हैं इनमें, बहुत थोड़े कट्टे, और 70-80% माल काले रहे, बिल्कुल जहर बने पड़े। हमने प्रशासन को बार बार बोलिया, डीएमएफड को भी, डीएफएससी को भी ये माल पीसने लायक नहीं है, ये जहर है, पर वो हमारे पद दबाव बना रहे भी इसको पीसो और ये उठाएगा सारा माल, नहीं तो सारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो धक्के से लोड कर करके यहाँ भेजना करे। तो आप लोगों ने क्या रोक दिया इसको? हमने भी रोक रखे, उनको बुलाया है अभी अपना माल देखो, उन्होंने कहा भी ये माल ज़्यादा ख़राब है, इसमें लोगों को बीमार होने का खतरा ज़्यादा है, ये नरड़ा जहर पड़ा है। कितने कारो कटे थे जी? ये 5140 कारो कटे थे। अच्छा, तो कितना माल अब तक आ चुका है? अब तक 1500 क्विंटल करीब माल है। इसमें कितना खराब है लगभग? अड़का सारी है, जो खराब है ये अलग निकालना ग्रेस्ट है, जो बिल्कुल ही कंडम है। कारण क्या है, क्यों खराब हो रहा है? वैसे तो बाहर लग रहा है, 3-4 साल का माल ले गया, सारा बाहर पड़ा, वहाँ बुरा हाल है पड़ा। अधिकारी क्या कहते हैं दबाव बढ़ाते हैं आप पे? अधिकारी कह रहे भैया तो इसी को पीसना पड़ेगा, यही माल मिलेगा, यही उठेगा, इसी को उठाओ और इसी को पीसो, नहीं तो सारे खिलाफ कार्रवाई होगी, अभी तो हम माल नहीं पीसना चाहते। कौन अधिकारी कहते हैं? डीएफएससी साहब। डीएफएससी लिखित के, हाँ उन्होंने लिखित के देर क्या वो हमारे पास भी इसको पीसना पड़ेगा, नहीं तो सारे खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आपके पास गंदा गेहूं आएगा उसको भी पीसना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, अन्यथा कार्रवाई होगी, ये बोलते हैं डीएफएससी साहब। जी जी, पहले भी इस तरह का खराब आता रहा? ना जी, पहले कभी खराब नहीं आया, इसी बार ही खराब माल आया। कितनी गाड़ियां आ रही आती हैं? आज 2 गाड़ी आई जी, जो कल लोड हुई थी 2 गाड़ी आई थी, ये धक्के से लोड करा के भेज रहे, भी उतारो और इसको पीसो, नहीं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई है। 2 दिन का टाइम दे रखे, अभी 2 दिन के अंदर सारा माल उठाओ
और इसको पीसो। हमने सारे अधिकारियों को बता दिया भी ऐसे ऐसे घर का बार बार गलत काम करवा रहे, गलत फंसवा रहे। उच्च अधिकारियों ऊपर भी बोला आपने कहीं? हाँ, हमने मैंने सीएम साहब को मेल डाल दी थी परसों, उसका भी तक वो नहीं आया। मैंने डी साहब को सवेरे किसी से कलवाया भी ऐसे ऐसे करके हमारे साथ अन्याय हो रहा और गलत माल पिसवा जा रहा, वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। डेफी साहब हमारे से बात ही नहीं करते, जो बात करो तो आगे तो धमकाते हैं। तो डीएफएससी का माल लगा हुआ है? सारा डीएफएससी का माल है जी। कहाँ लगा हुआ था जी? कन्नी आ रहा है, इसमें लसंद में लगा हुआ है। अभी वहाँ से उठना शुरू हो रहा है, बहुत माल वहाँ लग रहा है अभी, हर और सारे फलों मिलों में यही माल जा रहा है सबका। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक